बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे मैथ्स 9th क्लास का पेपर जो जुमेरात 19 तारीख को होने जा रहा है, उसका इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर चैप्टर का मैंने गेस्ट पेपर बनाया है। वो बच्चे जो भी शॉर्ट टाइम में हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे, स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए गेस्ट पेपर ये वाकई ही बहुत ही मुफीदफुल है, शॉर्टफुल है, हेल्पफुल है। तो आप इस गेस्ट पेपर को कर सकते हैं। बात करते हैं चैप्टर 1 की। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 1.2 में क्वेश्चन 5 और 6 की प्रैक्टिस कर लें। 1.3 में क्वेश्चन 5 का पार्ट 5 और 10 कर लें। क्वेश्चन 6 का 7 और 8 कर लें। और 1.4 में आप पार्ट क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 कर लें। ठीक है, ये तमाम पेपर के गेस्ट पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तमाम गेस्ट आपने लाजमी करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। आप कर लेंगे तो आपके जितने भी मार्क्स हैं पेपर में आने के चांसेस वो 100% से ज़्यादा हो जाएंगे। 1.1 की बात करें क्वेश्चन 3 करें, 1.2 की बात करें तो 5 और 6 करें, 1.3 की बात करें तो 5 का पार्ट 5 और 10 करें, क्वेश्चन 6 की बात करें तो क्वेश्चन 7 और 8 करें, क्वेश्चन 1 पर एक्सरसाइज 1.4 की बात करें तो क्वेश्चन 5 और 6 करें, 1.5 की बात करें तो क्वेश्चन 4 और 5 की प्रैक्टिस करें। काइंडली इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें। पेपर इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से आना है। बार बार आपको बता रहा हूँ कि पेपर इन्हीं के अंदर से आएगा, तो आपने तमाम क्वेश्चन यहीं से अटैम्प्ट करने हैं। जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे यहाँ से क्वेश्चन करने की, आपके कितने मार्क्स आएंगे। एक्सरसाइज 1.6 की बात करें, तो 1.6 में हम लोग कंप्लीट एग्जांपल 1 के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.6 तो आपने मुकम्मल करने है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मतलब ये 1.6 में से ग्रामर और इमर्जन रूल का क्वेश्चन लाजमी आना है। चैप्टर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 पार्ट 1 और 4, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। ये जिसके साथ लिखा है ना कि वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वो तो आपके पेपर में लाजमी आएगा। बाकी भी आने के कोई चांस है, यानी बाकी भी आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का साथ में टैग लगा हुआ है, इट्स मीन कि वो 110% आपको क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज 3.2 की बात करते हैं, क्वेश्चन 4, 5, 6 करें। 3.3 की बात करें तो क्वेश्चन 2, 4 करें। 3.4 की बात करें तो क्वेश्चन 4, 5, 6 और क्वेश्चन 2, 4, 6 करें। एग्जाम्पल 1 पेज 6 और 8 पे है वो करें, एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 70 पे दी हुई है वो भी करें। प्रूफ ऑल लॉज ऑफ लॉगरिथम, जो लॉज हैं जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, चेन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, तो ये तमाम लॉज को आपने प्रूफ भी करना है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डैट यू शुड हैव टू प्रूव ऑल द लॉज ऑफ द 4 बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथम। बात करते हैं चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 में अगर हम जाएँ तो चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मालूम है 4.2 है। 4.2 तो आपने हर सूरत करनी ही करनी, लेकिन 4.2 में मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन 2 करें, 4 करें, 6 करें, 7 करें, 13 करें और 15 करें। ये 8 क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये गेस्ट पेपर 100% आएगा। आपने इस गेस्ट पेपर को पूरा तैयार करना है। जितना ज़्यादा तैयार करेंगे उतने मार्क्स आपके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चैप्टर 4 में हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 के मैंने आपको बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.3, 4.4 और 4.4 में हम आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने एट द एंड तक करने हैं। और काइंडली इन क्वेश्चंस को लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे। अदरवाइज आपने प्रैक्टिस ना की और आप कहेंगे मैं एक बार देख लूँगा तो मेरे सोचे, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है। आगे चलते हैं 4.4 में। बात करते हैं क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 करने हैं केपी के बुक से, और 4.2 करना है क्वेश्चन 5 पेज 108 से। केपी के बुक एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 5 पेज 110, केपी के बुक एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 4, 5, 6 पेज 112, केपी के बुक को 4, 5 क्वेश्चन 8, 9 पेज 110। एक्सरसाइज 4.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, इसका पार्ट 5, 7 और 8 लाजमी करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5th करना है। तो ये वो गैस पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस पेपर है, ये आपने 110% लाजमी करना ही करना। अगर आप ये गैस पेपर नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कम आने के चांसेस हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो काइंडली इसको लाजमी कर लें। 5 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 को करें, क्वेश्चन 3 करें, 4 करें, 2 और 4 करें, 5.2 को करें क्वेश्चन 1, 3, 4, 5 करें, क्वेश्चन 4 को करें 3, 4, 5 करें, क्वेश्चन 5 और 6 करें, एक्सरसाइज 5.3 करें,
अच्छा फाइव करें, सेवन करें और एट करें, नाइन करें, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 करें। और एग्जांपल 2, 3 पेज नंबर जो 104 पर दिए वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जांपल लाजमी करनी है क्योंकि एग्जांपल पेपर में आई तो आपको बता दिया गया है, अब गेस्ट पेपर भी आपको समझा भी दिया गया, तो आप काइंडली इस गेस्ट पेपर को लाजमी कीजिएगा। चैप्टर 6 की बात करें तो एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 8 करना है। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 11, 12, 13 करना है। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8 करने हैं। तो ये तमाम क्वेश्चंस नहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपने ये क्वेश्चन करने ही करने हैं, हर सूरत आपने ये सवाल याद करने। चैप्टर 7 की बात करते हैं तो चैप्टर 7 में 7.1 में क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 7 पार्ट करने हैं। 7.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 5, 6 और 8 करना है। 7.3 में क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, 5 और 7 करना है। वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 3 और 4 करना है। बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की, तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपने लाजमी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। और चैप्टर नंबर 8 में तो मैं आपको बता दूँ कि एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 8.3 में क्वेश्चन 1, 2, 3 और वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आप साथ में लिख भी दिया था कि आपको पता हो कि ये चीज़ें बहुत ही लाजमी और ज़रूरी है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ए वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 10 के थ्योरम्स की बात करते हैं तो थ्योरम 1, 2 और 3 आपने लाजमी करना है। और फिर एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन 1 करना है। चैप्टर नंबर 11 में थ्योरम 2, 3, 4 करना है। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 करना है। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3, 4, 5 करना है। चैप्टर नंबर 12 में थ्योरम 1, 2, 3, 4, 6 लाजमी करने हैं। ये वो थ्योरम्स हैं जो पेपर में 110% आने के चांसेस, अगर आपने थ्योरम नहीं किए तो आपके पेपर्स अच्छे नहीं होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पूरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और एंड तक देखने के बाद ये वीडियो अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन 3 करें, 13.2 में क्वेश्चन 2, 3 करें। 14 की बात करें तो थ्योरम 2 और 3 लाजमी करें। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 और 6 करें। 15 की बात करें तो थ्योरम 1, 2, 5, 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने ये लाजमी करना है, हर सूरत ये लाजमी करना है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपके पेपर अच्छा नहीं होगा। तो ये वो गेस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने स्मार्ट टाइम में स्मार्ट वर्क करके आप ये गेस्ट पेपर पूरा कर सकते हैं। और क्योंकि टाइम भी कम है और टाइम कम होने की वजह से आप ये गेस्ट पेपर लाजमी तैयार करें, और शॉर्ट टाइम में ये गेस्ट पेपर आपके लिए एक किस्म का अनमोल तोहफा है। तो इस अनमोल तोहफे से आप फ़ायदा उठाएं और जितना हो सके इस गेस्ट पेपर को आप क्या करें, प्रैक्टिस में लें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने मार्क्स आएंगे, और आप पेपर में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ना करने की वजह से आपके मार्क्स नहीं आएंगे। चैप्टर 16 की बात करें थ्योरम 3, 4 करना है। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2, MCQs करने हैं। चैप्टर 17 में से आपने एक्सरसाइज 7.2 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन 1, 3 और एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ये वो गैस पेपर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद आपको ये गैस पेपर अच्छा लगा होगा, 100% इसी में गैस पेपर में से आएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसे प्रिपेयर कीजिए और इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयार कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कम टाइम में आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये वक्त है, इसमें आपको रिबुक करना नामुमकिन है। और मुझे जल्द दीजिए, अल्लाह हाफिज़।